थैंक यू कमल, आप आज भी जर्नलिस्ट ही लग रहे हैं। जरानी कॉक, अंकुलानो नरफनो खुलम मास कांगे भारो, सब ऊपर में खुलम खा। आज फिर से मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, सिर्फ आपको बुबागरा दिल से बात करे या भाषण दे, क्या चाहिए? दिल से बात करना है ना। हाँ, तो ये अपना धनंजय और पीयूष पिछले 3-4 साल से मेरे घर में हमेशा रात में आता है, तो तब बुबागरा हम आपका संग आना चाहते हैं, लेकिन आता नहीं था। मैं प्रश्न ने सुनाया था क्योंकि आप तो आरएसएस में थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नारी शक्ति, नारी शक्ति, वो सब ये लोग सब ये बोलते रहता है, लेकिन ये नारी शक्ति हम लोग का बुकुंग बारा के लिए नहीं है। इसके लिए, नारी शक्ति के लिए, हम लोगों को बुकुंग बारा को एक स्ट्रॉन्ग पार्टी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जो सब डायलॉग है ना हिंदुस्तान का, भारत मां, कहीं में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सब हम लोग के लिए नहीं है। अगर हम लोग के लिए होता तो 70 साल में कुछ ना कुछ तो मिल जाता, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब IPFT के इतने लीडर्स लोग आए हैं। मैं यहां में सबका नाम नहीं लूंगा, विजय बाबू ने बात किया है, डिप्टी CM ने बात किया है, हमारा प्यारा पुन्नो ने बात किया है, रविंद्र बाबू है, अपनी MDCs हैं, मैंने सब MDCs को कहा, सुहेल हो, ऋषिकेतु MLA हो, रुनिल हो, देवजीत हो, सौदागर हो, अपना विद्युत हो, कि आज IPFT के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा कमल है, भूल गया था तो यहां आगे सामने याद दिलाने के लिए कि आज IPFT के लोग पिपरा मोथा में ज्वाइन कर रहे हैं। ये IPFT नहीं है, ये पिपरा मोथा नहीं, हम लोग दोनों तिपरासा है, तिपरासा तिपरासा को समझें। हम लोग का कर्तव्य बनता है, पिपरा मोथा का कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपना IPFT से जो हमारा बहन है, हमारा भाई है, हम लोग का जो दोस्त है, उनको पिपरा मोथा में लाए और एक परिवार जैसा हम लोग आगे एक दूसरे को ताकत करें और आगे जाएं। क्योंकि हमारा एजेंडा पार्टी का नहीं है, हमारा एजेंडा है ग्रेटर पिपरा लैंड, और इस ग्रेटर पिपरा लैंड में हमको सब चाहिए। इससे पहले हमारा शकुनी मामा ने, कौन है शकुनी मामा, फोन में बात कर रहा है, अभी फोन रखेगा तब अनिमेश आपके बारे बात हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों को एकता चाहिए, सूरमा के बारे अनिमेश ने बात की। अभी तक हम लोग ने किसी को चांस नहीं दिया था, सिर्फ तिपरासा को चांस दिया था। अपना बाबूराम सतनामी वहां में, हाथ दिखाओ, सबको हाथ कराओ, त्रिपुरा में आज तक कोई भी चा बागान का आदमी को सबका साथ सबका विकास बोलता है ना, आज तक हिंदुस्तानी को MLA बनने का चांस नहीं दिया था। तिपरा मोथा एक बुकुंग बारा पार्टी ने एक हिंदुस्तानी को चांस दिया, क्योंकि हम लोग का दिल बड़ा है, हम लोग का दिल छोटा नहीं है। ये लोग जो बोलता है कि हम लोग कम्युनल है, हम लोग कम्युनल नहीं है, हमने सबको चांस दिया, आज आपको चांस दिया है। बाबूलाल आप भी जाके बोलो कि ये जो नाक चपटा बोलता है ना, हमारा तो नहीं है लेकिन हम लोग का है, हम लोग का दिल बड़ा है, हम आप सबको चांस दे, हम चाहता है कि आप MLA बने, हम चाहता है कि हिंदुस्तानी चा बागान में MLA बने, हम चाहता है कि 10,323 MLA बने, हम चाहता है कि मणिपुरी भी आगे आए, हम चाहे कि मुसलमान भी आगे आए, हम बंगाली को भी चाहते हैं कि बंगाली को भी सुरक्षा मिले, लेकिन
हम लोग का जो कोर आइडियोलॉजी है ग्रेटर तिप्रलैंड कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, उसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, पावर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आज अच्छा लगता है कि रायमा वैली से गंदतुईसा से 600 लोग आया, इतना दूर से लोग आ रहे हैं, मनु से आ रहा है, कंचनपुर से आ रहा है, करमचरा से आ रहा है, ख्वाई से आ रहा है, अंबासा से आ रहा है, बहुत बहुत जगह से आ रहा है, अच्छा लगता है। आप लोग सब यहां आए, और गुवाग्रा आपको एक बात बोलना चाहता है, मैं आप सबको, मैं आपको जानता भी नहीं हूं, मैं आप सबको प्यार करता हूं, अगर आपको लगता है कि आपका गुवाग्रा अपना दोफा के लिए फाइट नहीं कर रहा है और अपने लिए फाइट कर रहा है, तो यह गलत बात है। मुझे सब कुछ मिल सकता था, लेकिन मैंने एक कसम लिया है, शपथ लिया है कि जब तक हम अपना तिप्रासा को कुछ नहीं देगा, जब तक हम तिप्रासा को कुछ नहीं देगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम आराम नहीं करेंगे। और ये फाइट 15-20 एमडीसी, 10-15 एमएलए के लिए नहीं है, ये फाइट 13 लाख तिप्रासा के लिए है। और जब मैं तिप्रासा बोलता हूं, और एक बात मैं आज बोलना चाहता हूं, मैंने नोटिस किया और मैं मीडिया के सामने भी बोलना चाहता हूं, अगर आपको किसी को निंदा करना है, किसी को कुछ बोलना है, तो आप उसका कम्युनिटी का नाम लेकर मत बोलिए। अगर आपको कोई किसी रामपद्दो के खिलाफ बोलना है, तो आप बोलिए रामपद्दो, रामपद्दो जमतिया मत बोलिए, उसमें ट्राइब का गलती नहीं है। अगर आपको किसी के खिलाफ बोलना है, तो वो रेवती त्रिपुरा बोल के नहीं बोलिए, त्रिपुरा का कुछ गलती नहीं है, वो भी हम लोग का साथ। अगर आपको कहीं में देववर्मा को कुछ, उसका नाम लेके, उसका जाति का नाम लेके मत बोलिए, नाम लेके बोलो, लेकिन जाति को ब्लेम मत करो। हम थानसा चाहता है, और इस थानसा में 20, अब दारलोंग भी आ गया है, 20 का 20 ट्राइब। यहां मैं प्रकाश को देख रहा हूं, यह हमारा आचिक है, देखो आपको पहचानता है, आप हमको 6 महीने से नहीं मिला है, लेकिन आपको यहां में देखा याद आ गया, नमेगा। हाँ, छोटा से छोटा जाति हो, कोई मुरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, कोई कलोई हो, जो भी हो, रामलोंग हो, हमारा जमतिया हो, रियांग हो, कोई भी हो, सबको एक होना है। ये तिप्रालैंड, ग्रेटर तिप्रालैंड, तिप्रा मोथा का फाइट नहीं है, ये तिप्रालैंड या ग्रेटर तिप्रालैंड, ये हमारा सब तिप्रासा का फाइट। आप लोग आईपीएफटी से आए हैं, मैं जानता हूं कि हताई कतौर में आप लोग ने रोड ब्लॉकेट किया, लेकिन आप लोग ये नहीं जानता है कि गुबागरा ने उस समय एनसी देवबर्मा का बैंक में हमने रुपया डाला आपका रोड ब्लॉकेट के लिए समय। आज वही एनसी देवबर्मा भूल चुका है कि गुबागरा ने भी कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि ये हमेशा होता है, जब बुबागरा भाषण देता है ना,
तो गवर्नमेंट करंट काट देता है, लेकिन बुबाकरा हमेशा बोलता है करंट काटने से टिपरा मोथा तब भी पावर में आएगा। हाँ करूँ क्या, हाँ करंट काटने से टिपरा मोथा तभी भी पावर में आएगा। अभी अनिवेश का काम है सबको हंसाना, लेकिन बुबाकरा भी हंसा देता है कभी कभी। क्या करें, वो जो 2018 में आपने हाथाई कतर में किया, धनंजय था, हम लोगों का पीयूष था, शुक्ला था, मूरा सिंह था, सब लोग था, मिंटू था, मेवार था, लेकिन पावर में आने के बाद पावर में आने के बाद 5 साल में, साढ़े 5 साल तो होने वाला है, 4.5 साल हो गया, विश्व केतु को छोड़ के किसी ने असेंबली में टिपरा लैंड के बारे एक बार भी बात नहीं की। छी 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 छी, किसका वोट से पावर में आया, किसका वोट से पावर में आया, किसका सपोर्ट से पावर में आया? आप लोग का। आप लोग ने वोट क्यों दिया? टिपरा लैंड के लिए दिया। लेकिन जीतने के बाद, एमएलए मंत्री बनने के बाद, एक बार भी असेंबली में आपने टिपरा लैंड के लिए बात नहीं किया, जिसके लिए आपको वोट मिला। यह धोखा है कि नहीं? ये धोखा है कि नहीं? क्यों? रंग मिलता है थोड़ा सा, वो सैल्यूट करता है पुलिस, थोड़ा सा पुलिस का फैसिलिटी मिल गया, कॉन्वॉय मिल गया, बंगला मिल गया, थोड़ा सा पैसा आ गया। वही पुलिस जो आपको सैल्यूट करता है ना 5 साल तक, 6 महीने के बाद देखना, आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आपने दोहा को, आपने दोहा के संग गद्दारी किया। जब वो आप हारेगा इलेक्शन, जब आप हारेगा ये इलेक्शन, ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट परमानेंट नहीं है, आपका जाति परमानेंट है, आपका हाथ परमानेंट है। आपने 5 साल में थोड़ा सा सलाम के लिए आपने जाति को छोड़ दिया, जिस जाति ने बोला था कि हम आपको वोट दे रहा है, आप टिपरा लैंड के बारे बात करो, आज आपने धोखा दिया, ठकाए, इसको बोलता है ठकाए। भाषण सब दे सकता है, बुबाकरा पावर में आया है, टिपरा मोथा पावर में आया है 2018 में। आप हमारा एक स्पीच देख लो, लंदन में देखो, दिल्ली में देखो, अगरतला में देखो, कुमुलुंग में देखो, अम्बासा, सुरमा, अमरपुर, कोरबुक, टुईटू, कहीं भी जाके देखो, हमने हमेशा ग्रेटर टिपरा लैंड के बारे में बात किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पावर में आने के बाद भी कुमुलुंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज अगर दिल्ली हमको बुलाता है तो हम क्या बोलता है, जब तक आप राइटिंग में ग्रेटर टिपरा लैंड का राइटिंग में नहीं देगा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, हम लोग अलायंस नहीं करेगा। मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, अलायंस नहीं होगा जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलता। और वो राइटिंग में कुछ नहीं, जैसा कि एमसी बाबू गया, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा किया, कुछ साइन हो गया, बात खत्म नहीं। साइनिंग के बाद आपके सामने न्यूज़पेपर में छपना चाहिए क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ है, न्यूज़पेपर में छपना चाहिए, पब्लिक को मालूम होना चाहिए, पब्लिक से आप वोट मांगता है, पब्लिक का नॉलेज में होना चाहिए, न्यूज़पेपर में छपना चाहिए क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो। इसको बोलता है नो कॉम्प्रोमाइज। बड़ा बड़ा बात है, बड़ा बड़ा भाषण है, आईपीएफटी यहां में है, आप लोग ने बहुत सैक्रिफाइस किया, इसके लिए कल मैंने बोला कि आईपीएफटी को आप नजरअंदाज मत करो। आईपीएफटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लीडर में प्रॉब्लम था।
लीडर में प्रॉब्लम है। यहां में धनंजय है, पीयूष है, मिंटू है, बहुत बहुत लीडर्स है, ऋषिकेतु है। मैं आईपीएफटी ज्वाइन करने वाला था 30 तारीख जनवरी में, मैं आईपीएफटी आपका पार्टी में, मैं उस समय मैं आईपीएफटी ज्वाइन करने वाला था। एनसी देव वर्मा ने खुद बोला, महाराज आप आईपीएफटी ज्वाइन करें ना, अपने अलग पार्टी करें, अलायंस हो गए। एनसी ने बोला हमको, हम आप सबका सामने बोल रहे, हम तो रेडी था ज्वाइन करने के लिए। और जब इलेक्शन का टाइम आया तो हमको 3 सीट ऑफर किया गया, जनरल सीट माचमारा, छा मनु और कौन सा था वो मनु छलिंगटर, सिर्फ 3 सीट। और बोला आपको लड़ना था, आप कहीं से भी लड़ सकता, लेकिन पढ़ना थी। हमने विजय रांखोल मेरा संग, हमने बोला एनसी बाबू, विजय बाबू है, एक सीट दे दो, एक सीट, सिर्फ विजय रांखोल को एक सीट दे दो। ना, नहीं दिया, हमको 3 जनरल सीट दिया, विजय बाबू को एक सीट भी नहीं दिया। लेकिन बीजेपी को जाके आपने 11 सीट दिया और 3 सीट में फ्रेंडली फाइट किया, 14 सीट दिया आपने बीजेपी को। क्या हुआ? यहां में धनंजय है, अनंत बाबू भी आईपीएफटी में था, आप लोग जानता है 2018 में क्या हुआ, 56 सीट में फाइट किया, बोला था 56 इंच का सीना, 56 इंच में फाइट, लास्ट में कितने सीट में फाइट हुआ, 9 सीट। आप क्या कौरबुक से नहीं फाइट कर सकता था? आप अंबासा विजय रांखोल को नहीं दे सकता था? आप गोलाघाटी नहीं दे सकता था? आप शांतिर बाजार नहीं दे सकता था? आपने अपने ही तिपरासा का एरिया का सीट आपने बीजेपी को देख के आपने तिपरा लैंड को कमजोर कर दिया। लोकसभा के इलेक्शन के टाइम यहां में रेखा कलोई है, 2019 में सुनील देवधर आके क्या बोला, एनसी देव वर्मा जी अब तो तिपरा लैंड नहीं होगा, सरकार में बैठना है तो तिपरा लैंड बात मत करो वरना विपक्ष में बैठ जाओ, सबके सामने बोला। उसके बाद एनसी देव वर्मा चुप हो गया। ये पावर कुछ नहीं रहता है, क्या है ये पावर? मैं आपको बोल रहा हूं 6 महीना बाकी है इलेक्शन के लिए, 6 महीना बाकी। और ये तिपरा मोथा ना, ये आपका पार्टी है, ये तेलियामुरा से फाइट करेगा, 20 सीट में तो फाइट करेगा लेकिन उसके बाहर भी, तेलियामुरा से फाइट करेगा, अमरपुर से फाइट करेगा, पानी सागर से फाइट करेगा, धनपुर से फाइट करेगा, हम लोग अमरपुर से फाइट करेगा, हम लोग कल्याणपुर से फाइट करेगा, हम लोग 35 से 40 सीट में फाइट करेगा। हम आपको बोल रहा है कि हम लोग सब जगह में फाइट करेंगे, चूरमा में फाइट करा फिर से करेगा, हम लोग रेडी है। और सूरमा का इलेक्शन दिखा सकता है कि 15 दिन के अंदर तिपरा मोथा 0 वोट से 12,000 वोट पहुंच गया है। अगर 7 महीना मिला तो हम लोग 15 क्या, हम लोग 20,000 वोट भी ले सकता है। लेकिन आपको रेडी होना, थनसा चाहिए, क्योंकि जब मैं दिल्ली जाके बात करूंगा, जब हम लोग दिल्ली जाकर बात करेंगे ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए, तो मुझे पार्टी का सपोर्ट नहीं, मुझे जाति का सपोर्ट चाहिए। आप बीजेपी में है, बीजेपी में रहो, आप सीपीएम में है, सीपीएम में रहो, लेकिन जब बुकुंगबारा का भविष्य के बारे बात होता है तब आप पुइला जाति उलोबो जाति रखो, और कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। यहां में मीडिया है, मैं आपको सबके सामने बोलना चाहता हूं, ये लोग बोलते रहते महाराजा तो कम्युनल अच्छे, आज तक हमने नहीं बोला कि बांग्लादेशी टर्माइट है, हमने आज तक नहीं बोला कि बंगाली को मार के वापस भेज दो बांग्लादेश, ये मैंने नहीं बोला, किसी और ने बोला, और जिसने बोला है वो तिपरा मोथा में नहीं है, वो बीजेपी में है।
मुबागरा ने नहीं बोला, हमने क्या बोला? ग्रेटर यूनिटी होगा, हां एडीसी के अंदर ग्रेटर यूनिटी रखो। एक साल से कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, कहीं में बंद नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम जानता है कि ग्रेटर तिपरा लैंड में सबको एक संग रहना है, लेकिन हम अपना संवैधानिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या शर्म का बात है, क्या शर्म का बात है अगर हम तिपरासा लोग अपना संविधान के बारे में बात करते हैं। ये लोग बोलता है कि एडीसी में, एडीसी को पावर देगा। आज पावर का मतलब क्या है? यहां में कमल कोलय है, एआरडीडी मिनिस्टर। क्या है पावर का मतलब? कि पावर का मतलब है आपको बकरी, मुर्गी और सुअर दो, पालो। अरे आपको हम पावर दे रहे हैं, आप बकरी पालो, सुअर पालो, मुर्गी रखो, अंडा मिलेगा। और अगर तला में कंप्यूटर दो, लैपटॉप दो, सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास है? आपका बच्चा लो पूरा जिंदगी बकरी पालेगा, मुर्गी पालेगा और सुअर को पालेगा, और यहां में कंप्यूटर लेके ये लोग कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। ये सबका साथ सबका विकास है? पुलिस बिल, हम लोग बोल रहे हैं कि हमको 30 करोड़ रुपए दे दो, हम लोग पुलिस बिल पास कर, हमने पास कर दिया है। हम लोग पुलिस को एडीसी के अंदर पुलिस को 2000 लोग नौकरी देना चाहते हैं। ना ना टाका नहीं, 30 कोटि टाका नहीं, लेकिन एक पहला बार फिर से फोन आएगा, अच्छा बिल्डिंग अच्छे बिल्डिंग है, 50 कोटी टाका देते पारे। बिल्डिंग के लिए आप 50 करोड़ रुपया देगा, लेकिन नौकरी के लिए आप 30 करोड़ रुपया नहीं देगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो बिल्डिंग है ना 50 करोड़ का, वो कॉन्ट्रैक्टर खाएगा, लेकिन पिपरासा बिल्डिंग देख के आपका पेट भरेगा? बिल्डिंग देखकर आपका बच्चा स्कूल जाएगा? आपको नौकरी चाहिए लेकिन नौकरी नहीं देगा। अनिमेश, दिस इज द फैक्ट, विजय बाबू इट्स अ फैक्ट। ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। जब तक आप गरीब है ना गांव में, जब तक आप लोग गांव में गरीब है, आप लोग अगरतला आकर नौकरी करेगा, बर्तन मांजेगा, झाड़ू मारेगा, आपको गरीब रखो, क्योंकि नौकर नहीं मिलता है। गांव में पिपरासा को गरीब रखो, बंगाली को भी गरीब रखो, क्योंकि शहर का आदमी को नौकर चाहिए। आप लोग सप्लाई है, ये लोग का डिमांड है। यही चीज होता है महाराष्ट्र में, यूपी बिहार के लोग गरीब है, इन वो बॉम्बे जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं नौकरी के लिए, सिक्योरिटी गार्ड ये। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर मिल गया गांव में, अगर आपको नौकरी मिल गया गांव में, तो आप लोग अगरतला आकर नौकरी ऐसा नहीं करेगा, आप अपना गांव में ही अपना राजा बन के रहेगा। इसके लिए गांव में वंचित करो, विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं होने दे, पुलिस बिल पास नहीं करने दे, बच्चा को सुअर दो, मुर्गी दो और बकरी दो, यहां में कंप्यूटर दो। ये सिस्टम सड़ गया है, ये सिस्टम यूथ के खिलाफ है, ये सिस्टम हम लोग के अगेंस्ट है। ये सिस्टम को बदलने के लिए बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है, अपना लिए फाइट नहीं कर रहा है। सिस्टम को बदलना है, जीत बिना 20 सीट अपना, सब अमार, ये क्या बात है? 1991 में महारानी विभू कुमारी देवी ने बोला था, एक सीट अगरतला में दे दो, एक सीट अगरतला में दे दो। ना अगरतला में सीट नहीं होगा, डिलिमिटेशन किया। आज बोलता है पूरा पूरा त्रिपुरा तो अपना, तो अगरतला में क्यों नहीं है एक सीट? किसने बोला खुमुलुंग आपका है, अगरतला हमारा है? हम लोग ने तो नहीं बोला, आज हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन किसने ये किया? अगर उस टाइम महारानी विभू कुमारी देवी का बात मान लेता और अगरतला में एक सीट दे देता, तो आज परिस्थिति अलग होता है।
लेकिन नहीं लिया, एक सीट नहीं दिया आपने अगरतला में। वह खून आपका है, अगरतला आपका नहीं है, यह मैसेज भेजा। और आज वही विभू कुमारी देवी का बेटा अब एक सीट नहीं मांग रहा है, ग्रेटर तिपरा लैंड मांग रहा है। आप पूरा एक कम्युनिटी को धक्का मारते रहते हो, धक्का मारते रहते हो, और पीछे जाओ और पीछे जाओ, अब और पीछे जाने का जगह ही नहीं रहा। तब तो आदमी आगे आएगा, रिजिस्ट करेगा, और क्यों नहीं करे? यह हाथ किसका है, यह जगह किसका है? आज टाइम आ गया है। और जो लोग, जो तिपरा सा लोग ये बात को नहीं समझता, जो लोग बोलता है आंचलिक पार्टी तो चिकन पार्टी है, उससे गुस्सा मत हो। जब सामने रंग दिखता है ना तो सब चीज चिकन हो जाता है, जब सामने रंग मिलता है ना सब चीज चिकन हो जाता है, परिवार चिकन हो जाता है, सिद्धांत चिकन हो जाता है, आपका धर्म चिकन हो जाता है। तो तिपरा मोथा तो एक पार्टी है, सामने रंग देख रहा है आप, लेकिन रंग के पीछे आप वो नहीं देख रहा है। ग्रेटर तिपरा लैंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन है। बहुत लोग तिपरा मोथा से है जो बोलेगा अरे आईपीएफटी को क्यों लिया बुबागरा, आईपीएफटी तो खत्म हो चुका है, आपने क्यों लिया? आपका थुई कभी खत्म नहीं होता, आपका परिवार कभी खत्म नहीं होता है, कभी भी नहीं खत्म होता है। पिपरा मोथा का जो पुराना लीडर है, हम आपको बोल रहा है, यहां में विद्युत आया है आईपीएफटी से, आज धनंजय आया है, पीयूष आया है, मिंटू आया है, अपना रियांग बाबू आया है, जमतिया बाबू आया है, सब लोग आया, बहुत बड़ा बड़ा लीडर है, कुमार हलाम आया है, संजय आया है। लेकिन एक टाइम अनिमेश आया था, एक टाइम विजय बाबू आया, रविंद्र बाबू आया, अनंत बाबू पहले से आया। ये परिवार जिस दिन आपने दरवाजा बंद कर दिया ना, आप हार जाए। ये फाइट तिपरा मोथा का फाइट नहीं है, ये आप अपना दिल में रख लो, माथा में रख लो, ये फाइट तिपरा सा के लिए है। और अगर 7 महीना आपने अपना दिल बड़ा किया ना, तो जो आपको चिकन बोलता है, चिकन तो वो लोग है, हम लोग का दिल बड़ा है, हम लोग सबको लेगा। और जब बुबागरा दिल्ली जाएगा बात करने के लिए, तो ये ऐसा करके नहीं जाएगा, हाकम मलिक बन के जाएगा, हानी भूसा बन के जाएगा। ठीक है, वो लोग के पास पावर है, प्रशासन है, उनके पास रंग भी है, लेकिन हम लोग के पास सम्मान है, इतिहास है, और हमारे पास, मेरे पास तिपरासा है। आप लोग यहां में 90% यूथ है, बुरोई है, हमारा सीनियर है यहां में। 2017 में आपने सीपीएम से आप आईपीएफटी आए, कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। लास्ट टाइम श्यामाचरण त्रिपुरा ने एडीसी दिया, विजय रंगकौल ने 3 सीट दिया, आईपीएफटी का कुछ अचीवमेंट नहीं है, आंदोलन किया लेकिन अचीव कुछ नहीं कर सका। ठीक बोल रहा हूं पीयूष? ठीक बोल रहा हूं? मैं आज आपको एक मौका दे रहा हूं अपना तिपरासा के लिए। आज से अगर 20 साल बाद कोई किताब लिखेगा तो ये बोलेगा कि ये ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए सबने फाइट किया, सिर्फ बुबागरा ने फाइट नहीं किया, सिर्फ अनिमेश विजय रंगकौल ने फाइट नहीं किया, वो प्रकाश ने वहां में फाइट किया, वहां में रेखा ने फाइट किया, वहां में अपना मलिन ने फाइट किया, संजय मणिक त्रिपुरा ने फाइट किया,
कोई आर्मी में पठानलाल जमातिया ने फाइट किया, मणिहार ने फाइट किया, रेखा राधा बिना ने फाइट किया, ये फाइट सबका है, आशीराम आपका भी है। और जो बोलता है पॉसिबल नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 2018 में 19 में जब हमारा ब्रू लोगों को इतना खराब से रखा गया, मैं दिल्ली गया, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था, मैंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला हमको अपॉइंटमेंट दो अमित शाह के साथ, बोला अमित शाह नहीं मिलेगा। तो चुपचाप से मैंने कॉन्राड संगमा से बात किया, वो मुझे अकेला ले गया अमित शाह से मिलने के लिए। उस टाइम अगरतला में सब लोग बोल रहा था, कंचनपुर बोलता आर त्रिपुरा थे आपने थक तो पार बन ना, अपनी मिजोरम चले जान, आर राशन हो बे ना, बंद हो गए छे राशन, आर अपना चावल पावा जाबे ना, भात पावा जाबे ना, जान मिजोरम जान, ये सब बोल रहा था। मैं गया अमित शाह से मिला, मैंने बोला सर ये लोग डुंगूर से हैं, ये हम लोग 80% 90% हम लोग का रियांग, हमारा खून है, हम लोग का महारानी भी रियांग होता था, ये हम लोग त्रिपुरा के बच्चे हैं। सर आप बांग्लादेश से आप सीए बिल पास कर रहे हैं, इतने लोगों को रखेंगे, मिजोरम से अपना त्रिपुरा साहब को त्रिपुरा में जगह दे दीजिए, ये इनका जगह है, ये यहां के मालिक है, डुंगूर से हटाया गया। मेरे सामने 15 मिनट में फोन किया और बोला इसको रखना है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, किसी ने पूछ से पूछा, बोला कुछ नहीं चाहिए, अपना ब्रू को त्रिपुरा में रहना, कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, एक रुपया नहीं चाहिए, ब्रू को त्रिपुरा में रहूंगा। 624 करोड़ का पैकेज मिला, आज 720 करोड़ का है। आज कोई नहीं बोल सकता कि ब्रू हमारा त्रिपुरा में नहीं रहेगा, और नेक्स्ट टाइम मैं वही का ब्रू से भी एक एमएलए बनाऊंगा, आप देखो क्या कोई रोक सकता है। जाति को बांटने से कुछ नहीं मिलता, जाति को थंसा लेके आओ, थंसा 70 साल से थंसा नहीं है, इसके लिए आज हम लोग हार रहा है, हर इलेक्शन हम लोग हारा है। अगर थंसा होगा तो चांस मिलेगा। पीयूष ने बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज इतने लोग ज्वाइन किया पीयूष, दवाई मिला होगा, मेरा दवाई एक ही है, मैं हारना नहीं चाहता हूं, अगर मैं हार गया तो आप लोग भी हार जाएंगे। मैं अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मुझे कुछ भी मिल सकता है, नील महल मिल सकता है वापस, पूरा संपत्ति वापस मिल सकता है, एमपी आराम से मिल जाएगा राज्यसभा में, मंत्री भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज इस एनआरसी में मैंने क्यों रिजाइन दिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तो आप त्रिपुरा साहब का नुकसान होगा। आज मैं इसके लिए बोल रहा हूं, मैं अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं, मेरा तबीयत सच में ठीक नहीं, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, महारानी बोलते रहता कि ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाओ, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई आके थोड़ा रंग देगा त्रिपुरा साहब को टूट जाएगा, कोई आके ब्लैकमेल करेगा आप लोग टूट जाएगा, कोई आके बोलेगा अरे ये तो जमातिया है, वो तो त्रिपुरा है, वो कलोई है, वो मुरा सिंह और तोताराम अलग है, तोड़ देता है हम लोग को। मैं आपको, मैं बुबागरा बनके आप सबके सामने हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, थानसा को तोड़ने मत दो, सिर्फ 7 महीना अगर आप लोग एक रहेगा तो हमको कुछ मिल सकता है, कुछ तो मिलेगा, लेकिन अगर एक दूसरे से फाइट करेंगे हम लोग तो कुछ नहीं मिलेगा। ये लास्ट फाइट बुबागरा का लास्ट फाइट है, और आप लोग जो यूथ है, जो सिकला है, जो चला है बुरुई, ये आपका भी लास्ट फाइट है। इसके बाद विजय रांखोल नहीं रहेगा, अनिमेश नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, और अगर डिलिमिटेशन 2026 में हुआ तो आप लोग जो एक टाइम 90% था, आज सिर्फ 30% है, आप लोग भी नहीं रहेगा। आज जो भी करना है एक आवाज में, एक बार हमको एक होके, एमएलए का पावर नहीं, मंत्री का पावर नहीं, एक होकर हमको फाइट करना है। और मैं आपको बोलता हूं, अगर हम लोग का थानसा हो गया ना यहां में, जो आप लोग आईपीएफटी से आज आके तिपरा मौतम में थानसा हुआ ना, बीजेपी को रुपया फेंकने दो, सीपीएम को लाल सलाम बोलने दो,
अगर थमसा हो गया ना, हम आपको बोल रहे हैं, ये लोग बोलता है टिपरा मोथा तो सरकार कर तो पारबे ना, बिना टिपरा मोथा का, बिना टिपरा मोथा का कोई त्रिपुरा में गवर्नमेंट बना ही नहीं सकता है। ये मेरा चैलेंज है। और जब तक हमको राइटिंग में नहीं देगा ग्रेटर टिपरा लैंड, हम लोग ऑपोजिशन में बैठेगा लेकिन मंत्री बन के ग्रेटर टिपरा लैंड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा हम लोग। हम लोगों को टिपरा साहब को कुछ देना है। हम लोग, मैं राजनीति में लेने आया नहीं हूं, देने आया हूं, आपको कुछ देने आया हूं। और अगर हम लोग हार गया, मिंटू आप भी हैं यहां में, यू नो द प्रॉब्लम्स, अगर हम लोग हार गए इस बार तो हम लोग को छोड़ेगा कोई नहीं, हम लोगों को निकाल निकाल के लोग मारेगा। इसके लिए हम बोल रहे हैं, जो लोग आज भी बीजेपी में हैं, जो लोग एक टाइम कुछ और बोलते थे, आज उनको भी समझना चाहिए, थोड़ा पैसा के लिए, पोस्ट के लिए आप बीजेपी में है, बीजेपी में रहो, लेकिन बुबागरा से क्यों फाइट कर रहा है? बुबागरा तो टिपरा साहब का अगेंस्ट नहीं है। आप बीजेपी में है, आप बुबागरा को गाली बकता है, मेरा पुतला में थूकता है, मुझे लात मारता है मेरा पुतला में, सामने आके करो, नहीं करेगा, क्योंकि जानता है बुबागरा सच बोल रहा है। अगर आपको फाइट करना है टिपरासा के लिए तो बुबागरा को क्यों अटैक करता है? बुबागरा ने तो टिपरासा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। अगर आपको फाइट करना है टिपरासा के लिए तो सच का रास्ते में जाके बोलो, समझाओ दिल्ली को, आपका पार्टी दिल्ली में है, आप दिल्ली में जाकर टिपरासा के बारे बोलो। बुबागरा को अमरपुर में तिहारी मारंग में थूक के आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। आप किसी और को शक्तिशाली कर रहे, किसी कोई और हंस रहा है। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? ठीक बोला कि नहीं? अगर फाइट करना है अपना पार्टी में रहके, आप अपना जाति के लिए फाइट क्यों नहीं कर सकता है? नहीं, लेकिन आपको वहां में अपना मालिक को खुश कराना है, चमचागिरी करना है, जूता पॉलिश करना है। आप लोग इस बार फाइट के लिए तैयार है कि नहीं? मुझे सुनाई नहीं पड़ता, आप लोग फाइट करने के लिए तैयार है कि नहीं? अगर आप लोग तैयार है तो यह वीर विक्रम का नाती है, आप 10 एयरपोर्ट बना दो वीर विक्रम के नाम में, लेकिन मैं आज भी ग्रेटर टिपरा लैंड के बारे में बात करूंगा। मुझे आप 10 मील महल ऑफर करो, मैं तभी भी ग्रेटर टिपरा लैंड के बारे में बात करूंगा। आप मुझे एमपी क्या, आप मुझे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दे दो, तभी भी मैं ग्रेटर टिपरा लैंड के बारे में बात करूंगा। मुझे पैसा पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे टिपरा साहब को कुछ देना है। यह मेरा फाइनल कमिटमेंट है, यह मेरा फाइनल फाइट है। और अमिनीमेश देखीपन से हम खरीद लेंगे, खरीद लेंगे, खरीदो। मैं जानता हूं बहुत लीडर्स लोग जिसको टिकट नहीं मिलेगा इलेक्शन के टाइम, चला जाएगा बीजेपी में, सीपीएम में चला जाएगा। खरीदो, मैं चैलेंज करता हूं, खरीदो। आप 5 लीडर को खरीदो, हम 50 लीडर पैदा करेगा। आप 10 लीडर को पैदा करो, हम 100 लीडर को पैदा करेगा। आप 1000 लीडर को खरीदो, हम 1,00,000 लीडर निकाल के लाएगा। ये फाइट कोई विलेज काउंसिल चेयरमैन, बीएसी चेयरमैन, एमएलए, मंत्री, एमपी के लिए नहीं है, ये फाइट तेरा भक्ति प्रसाद के लिए है। आप लोग यहां में आज आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां में लोग कोई आर्मी से है, कोई कर्मचारी है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई बुरा है, कोई बूमा है। रेखा आपने बोला नारी शक्ति, आपका सबसे पहला काम होगा आप अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना कामी में, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके हर बूमा को समझाओ कि जो पेट में आपका बच्चा है ना, उसका भविष्य के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। जो आपका बच्चा है उसके लिए फाइट कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, हम लोग सर्वाइवल एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहे हैं। धनंजय आप आया,
और मैं आपको पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स इतना नहीं समझता हूं, लेकिन आप आ रहा था, मैंने इमीडिएटली देवजीत को बोला देवजीत आपको आना पड़ेगा, छोटू धनंजय भी वहां में है, मैंने बोला आपको आना पड़ेगा। धनंजय को लगना चाहिए कि वो घर में वापस आया। मिंटू आप आया, मैंने सुहेल को बोला आपको आना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग दोस्त बन के एक होके एक लास्ट फाइट करें। पोस्ट आएगा जाएगा, लेकिन जाति नहीं रहेगा, हा नहीं रहेगा ना, तो ये पोस्ट का, ये किसने कहा था, कोला पत्ता हमारा जमाती, हाँ आपने बोला कोला पत्ता है ये पोस्ट, ये एमएलए भी कोला पत्ता है, हा कोला पत्ता नहीं है, हा आपका है, हम लोग हा नहीं पुसा है, हा नहीं चला है। मेरे संग सब लोगों को वंस अगेन लामसो को भाई कहां, आप लोग टिपरा मोथा में आए हैं, मैंने आपको फ्लैग देके नहीं ज्वाइन कराया, मैंने आपको सम्मान देके, दिल से दिल देके ज्वाइन कराया। और मुझे रिटर्न में एक चीज चाहिए, आप लोग दे सकता है कि नहीं, कमिटमेंट, कमिटमेंट आप लोग दे सकता है कि नहीं, आप लोग फाइट करेगा कि नहीं, दम दिखा के बोलो कि आप लोग फाइट करेगा कि नहीं। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी भी चेकअप के लिए बाहर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुबागरा नहीं रहा एक महीने के लिए तो आप लोग फिर से टूट जाएगा। आप लोग थानसा रखेगा कि नहीं रखेगा, पैसा आएगा तभी भी थानसा रखेगा। तो मेरे संग एक बार बोलो, आर यू रेडी टू फाइट? ऊपर से आपका सुनाई नहीं दे रहा है। अगर आपने हमको, एक लोग ने, हम लोग का बहन ने, हम लोग का तिपरा सा चला सैकला सिकली ने इतना प्यार दिया हमको, आप लोग ने बहुत प्यार दिया, आज मैं तिपरा सा एक लोकथुम नहीं बोलूंगा, मैं आज थनसा एक लोकथुम बोलूंगा। सबसे पहले आप लोग ने जो प्यार दिया है, इसके लिए सवेरे जब उठता हूं, दवाई लेने के बाद प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, किडनी में प्रॉब्लम होता है, लेकिन तब भी मैंने धनंजय को बोला था बुबागरा 2 तारीख को आएगा, आपके प्रोग्राम में रहेगा, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कष्ट है, तभी भी मैं आया, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, ये कभी मत भूलना कि मैं हूं क्योंकि आप हैं, अगर आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूं। आई लव यू। पहले तिपरा दोफा आई क्लब था, उसके बाद थानसा आई क्लब था, ठीक है? तिपरा दोफा, तिपरा दोफा, थानसा, 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 चीनी हा किसी और का है, लेकिन आज हम लोग बोलेगा चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा, बेलाई बेलाई न हम भाई, धन्यवाद, खुलूंगा, आई लव यू।